हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में फिर सत्ता की चाबी सौंप दी है। देश में एक बार फिर भाजपा सहयोगी दलों को साथ लेकर एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में फिर भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को भी साकार किया जाएगा, जिससे राजस्थान को भी फायदा मिलेगा। भेदभाव का तो प्रश्न नहीं, और कल जो मोदी जी का भाषण है, उन्होंने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा है कि जितने भी सांसद जीत के आए, मेरे खिलाफ हमारे खिलाफ भी जीत के आए होंगे, हमारे विरोधी दल के भी जीत के आए होंगे, मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम सब मिलकर के देश की गति को आगे बढ़ाएंगे। और राजस्थान में मैं कहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार होगी, अगर यहाँ के कांग्रेस की सरकार भी कोई भी ऐसी बाजी बात लेके मेरे से आएंगे, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कांग्रेस की सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। इसलिए ऐसा भेदभाव का प्रश्न ही नहीं। हम भेदभाव करते तो हम सिमट जाते अपने घर में ही। आज पूरे देश में जो हमको मान्यता मिली है, वो मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी तो भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता, लेकिन यहाँ के लोग ही जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से बिलो दी बेल्ट बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ के लीडरशिप को थोड़ी संजीदा मानता था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में मैंने सुना है, या ना आप देखिए भेदभाव हमको पूछ रहे हो, अरे भेदभाव इन लोगों ने किया है। इन्होंने कहा इस हमारी सरकार आने के बाद अभी ये जो योगा दिवस आने वाला, स्कूलों में योगा दिवस नहीं मनाया जाएगा। योग क्या किसी बीजेपी का ठेका है? योग हिंदुस्तान का, राजस्थान का नागरिक बच्चा स्वस्थ हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, उसके लिए योग दिवस है। और दुर्भाग्य है इस राजस्थान की गवर्नमेंट का कि योग दिवस जैसों को नकार रही है। इसलिए पहले वो सोचे कि उनको हमारे से सहयोग लेना है या नहीं लेना, और ऐसे कम से कम गलत कदम नहीं उठाए। मैंने आपको पहले कहा है कि हमने पुरानी सरकारों की, हमने गोरखपुर के कारखाने की नींव हमने नहीं रखी, सरदार सरोवर डैम की नींव हमने नहीं रखी, कैन बेतवा डीम के डैम लिंक रोज योजना की नींव हमने नहीं रखी, हजारों करोड़ बंद पड़े हमने चालू किए ना। अगर भेदभाव होते तो कहते साहब इसमें तो नाम कांग्रेस का लिखवा क्यों करें। इसलिए बीजेपी या बीजेपी की योजना या बीजेपी की मानसिकता कहीं ऐसी नहीं रहती कि हम भेदभाव करें, लेकिन इनको भी समझना होगा, इनको भी मानना पड़ेगा कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी भारी बहुमत लेकर आए तो हमको भी केंद्र सरकार फेडरल सिस्टम को मानना सीखे, ये फेडरल सिस्टम को न तोड़े, इसकी इनको भी सोचना पड़ेगा। नदियों को जोड़ने की बात चल रही थी, राजस्थान में सूखा काफी देखने को मिलता है, तो ऐसे में नदियों को निश्चित रूप से इन 5 सालों में उस इस विषय पर भी, और नरेंद्र मोदी जी की तो स्वयं की कल्पना है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने 12 सालों में खाली नर्मदा से 14 नदियां जोड़ी है। आज ये जो पूरा उत्तर गुजरात में आप देख रहे हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ तक, ये नदियां जो जोड़ने का था, खेत तालाबड़ी जोड़ने का था, गांवों के तालाब में पानी भरने का काम, ये सारा नरेंद्र मोदी ने किया। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हम राज्यों को मनवा करके, राज्यों से बात करके, क्योंकि इसमें राज्य आते हैं बीच में, तो राज्यों से राय करके हमारा जो अटल जी का सपना है नदी जोड़ने का, निश्चित पूरा करेंगे।